किसानों की कोई नहीं सुनता है, किसानों की बस चुनाव के समय ही याद आती है सबको। काम अच्छा किया बीजेपी ने, विकास भी अच्छा किया, जो देवता नहीं कर सकते वो इस पार्टी ने किया है। किसान और जवान सिर्फ वोट लेने के लिए और भाषण देने के लिए याद आते हैं, है ना, जय जवान और जय किसान। नमस्कार, मैं हूं हरिओम वीर और आप देख रहे हैं विभाग हिंदुस्तान। चुनावी चौपाल की हमारी जो चुनावी यात्रा है लगातार जारी है, अलग अलग विधानसभाओं क्षेत्र में हम पहुंचकर ग्राउंड जीरो पर गांव गांव गली गली पहुंचकर हालात जान रहे हैं कि इस बार जो चुनावी माहौल है क्या कुछ कह रहा है और लोगों के मन में ग्रामीण क्षेत्र में गाँव के किसानों कस्बों में क्या कुछ माहौल है। यहाँ पर हम नेतावली गांव जो मल्लारगढ़ विधानसभा क्षेत्र का है उसमें हम मौजूद हैं और यहां पर चुनावी चौपाल जो हम कर रहे हैं आज हम आपको चुनावी चौपाल का वो मंजर दिखाएंगे, वो तस्वीर दिखाएंगे कि जो चौपाल होती है हर गांव में ऐसी देखी जाती है कि एक चौराहा होता है और उस पर आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के या गांव के लोग इकट्ठा होकर चर्चा करते हैं, हर तरह के मंथन करते हैं, गांव में क्या हुआ क्या नहीं हुआ तमाम चर्चा हम शुरू करते हैं। और यहां पर नेतावली गाँव के कई किसान और आम लोग मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे कि इस बार क्या कुछ माहौल है। तो चर्चा शुरू करते हैं, कई मुद्दे ऐसे हैं जो अभी प्रभावी हैं, आपको क्या लगता है कि किसानों का कौन सा मुद्दा इस बार प्रभावी रह रहा है? कई किसानों को मुआवजा दिया ही नहीं, बिल्कुल सोयाबीन बिल्कुल नहीं बीमा है, कहीं मुआवजा नहीं मिला। भाजपा के जगदीश देवड़ा मल्लारगढ़ में हैं अधिकृत प्रत्याशी, कांग्रेस के परशुराम सिसोदिया हैं, वहीं भाजपा के निर्दलीय के रूप में बागी उम्मीदवार के रूप में बसंतीलाल मालवी हैं, इधर श्यामलाल जोगचंद है, और भी कई उम्मीदवार है, क्या कहेंगे कौन इस बार? कोई भी वैसे ज्ञान में कहीं मतलब चौथी बार जगदीश देवड़ा मैदान में भाजपा की सरकार रही है, क्या कहेंगे? विकास हुए, विकास तो बढ़िया हुए हो, आप क्या कहेंगे भैया? नहीं जरूर विकास तो हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ही एक ही है विकट और सबसे ज़्यादा कि किसानों की कोई नहीं सुनता है, किसानों की बस चुनाव के समय ही याद आती है सबको। और सबसे बड़ी बात तो ये कि चले कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये जो फ्री की योजना दे रही है हमें चाहिए नहीं है, 6,000 रुपये भी नहीं चाहिए, 4,000 रुपये ये भी नहीं चाहिए, अपने जो कर्ज माफ़ी अगर कांग्रेस करी ये भी नहीं चाहिए, जो उचित दाम है वो तो दे दो कम से कम किसानों का। जो आज से एक साल पहले सोयाबीन बिक रही थी 7-8 हज़ार, आज की परिस्थिति ये हो गई कि सोयाबीन बर्बाद होने के बावजूद भी 4,000-3,500 बिक रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार उस पर रोक ही नहीं लगा पा रही है। अगर वो रोकने लगा पा रही तो ना वो भीख में दे रही है हमें 6,000-4,000 से क्या होगा, 4,000 से किसान के बच्चे पढ़ जाएंगे? 4,000 तो एक महीने की फीस भी नहीं है। अच्छा, इस बार पैदावार कहीं ना कहीं कम निकली, क्या मुआवजा राहत राशि या कोई बीमा राशि मिली आपको इस बार की? पैदावार तो अब वर्तमान समय में तो 50 किलो से 1 क्विंटल तक हुई है, और हमारे जो हमारे वर्तमान गांव की बात करें तो यहाँ कम से कम 200 बीघा ज़मीन है जो फसल बिल्कुल पूरी नष्ट हो चुकी है, काटने का भी काम नहीं पड़ा है। और बीमे की बात की जाए तो अभी जो 22 का जो बीमा दिया है वो भी ऊँट के मुंह में जीरे समान दिया है, यानी 700-800 रुपये पर बीघा दिया है, तो 200-300 रुपये तो पर बीघे वो किसानों से लेते हैं, उसके 2 साल बाद तो बीमा देते हैं वो भी 700-800 देते हैं, तो ऐसी सरकार क्या काम कर रही है किसानों के लिए, जो हमारा पैसा वही नहीं दे रही है। आपको क्या लगता है भाजपा या कांग्रेस सही है किसानों के लिए? मेरे हिसाब से तो कांग्रेस जो अभी वादे कर रही है उस हिसाब से तो अभी वो वर्तमान में वही ठीक है, क्योंकि जो 20 साल से तक ये सरकार थी किसानों को कुछ भी नहीं कर पाई, जो भी योजना चालू की लास्ट सीजन में एक्शन मोड में आई है, लास्ट मोड में, ये कम से कम अगर 2 साल पहले भी लाती तो हम कहते हैं हमारे किसानों का हित का काम कर रही है। भाजपा भी तो कह रही है हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, समर्थन मूल्य दे रहे हैं ना, ये भीख नहीं चाहिए हमें हमारा उचित मूल्य दे दीजिए, 5-6 हज़ार रुपये हमें नहीं चाहिए, हमें तो उचित माल के जो पेमेंट दे दो ना, कहाँ दिक्कत आ रही है? किसान मांग क्यों नहीं करते हैं, किसानों को भी तो एकजुट होके अपनी बात रखते हैं, या ऐसा कोई धरना प्रदर्शन या कोई ऐसा आंदोलन छेड़ा हो जिसमें कहीं ना कहीं किसान अपनी बात रखें, किसानों को भी याद नहीं आती है, सिर्फ चुनाव में आते हैं कि भैया हमारे कोई सरकार काम नहीं कर रही है। जी सर, आप क्योंकि चुनते तो किसान भी अपना बहुमत देते हैं सरकार को। सर आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सबसे बड़ी बात तो है कि दोनों सरकारों ने किसानों को बांट रखा है, वो वहाँ पे तो बिल्कुल एकजुट होकर बैठे हुए हैं, लेकिन जो गांव में हम किसान हैं, मैं खुद ही किसान हूँ, हमें इस प्रकार बांट रखा है, हम कांग्रेस में तो हम बीजेपी में, वो किसान की बात नहीं करते, गांव का बच्चा है, गांव का किसान का बच्चा, अगर मैं किसान की बात कर रहा हूं तो वो बीजेपी की बात करेगा। अच्छा, वो अगर कांग्रेस का बच्चा तो कांग्रेस की बात करेगा, तो मेरे किसानों से यही अपील है, हमें कांग्रेस बीजेपी नहीं है, आपको जिसको वोट देना वो दे दो, लेकिन जब किसान की बात आए, किसान के हक की बात है तो किसान की बात करो ना,
हम किसान पिछड़े ही इसीलिए। आप अभी आपको पता होगा मंसूर मंडी में हड़ताल थी एक महीने से, सारे व्यापारी एक हैं, तो उन्होंने हड़ताल कर दी। किसान इसीलिए नहीं कर पाता क्योंकि किसानों को बांट रखा, और किसानों की मानसिकता भी छोटी छोटी है। 5,000 दे दिया तो हम 5,000 के पीछे भटकते हैं, वो 5,000 का फ़ायदा देखते हैं, लेकिन जो 1,00,000 का फ़ायदा होता है साथ में रह के वो नहीं देखते। जो भी सरकार है वो किसानों को इसी प्रकार बांट रही है, और किसानों को बांट रही है, लेकिन वो गांव के जो हमारे जो प्रतिष्ठित किसान हैं, जो कांग्रेस बीजेपी में बैठे हुए हैं, वो खुद बैठे हुए हैं। जब तक किसान एक नहीं होगा, मैं भी मान रहा हूँ अभी हम 19 का जो मुआवजा बाकी है उसके चक्कर में मैंने काफ़ी आवेदन दिए, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर ये स्थिति है कि एक भी किसान मेरे गाँव का मेरे साथ भी नहीं आया। तो इस बार क्या समीकरण लग रहा है चुनावी? चुनावी समीकरण तो यही लग रहा है कि बदलाव ही देख रही है दुनिया। अब यहाँ मलारगढ़ क्षेत्र से क्या होगा ये नहीं कह सकते, यहाँ त्रिकोणीय चुनाव है, लेकिन जैसे आप मीडिया के माध्यम से सुनाई दे रहा है तो कि बदलाव की स्थिति है और लग भी रहा है कि बदलाव होगा। बाबू जी आप क्या कहेंगे? बढ़िया है सरकार, बीजेपी बन रही, भाजपा की विकास कार्य अच्छा हुआ किसानों के लिए बढ़िया काम कर रही है। और ये कह रहे हैं कि मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा तो नहीं मिला तो वो तो नहीं मिला है, और क्या वो समस्या यही है ना सर, नहीं मिला तो नहीं मिला है। यही मैं आपसे यही बात चर्चा कर रहा हूं, बाजू मिले तो ना पहले 2 बीघा, हमारे 2 बीघा जमीन हमको बांझा मिला ही नहीं, बिल्कुल नहीं मिला माझा। हाँ नहीं पैसे लेके खाद नहीं मिलता, लाइट हमारे कुएं पे, चलो अभी एक लोटी की धार पेड़ लाइट ही नहीं मिलती मेरे को, लाइट नहीं मिली हमारे कुएं पे, डीपी ले है कौन, डीपी सुनते ही नहीं, लाइट मिले ही कौन हमारे कुएं पे, दिन भर बैठे रहे तेल बार, लाइट की तो कमी है यार, मल्दी नहीं रही यार, लोग पगार ना पड़े, लेट काटिन बेटर है यार, गाँव भूख क्या था कूड़े उतारा लाइट ही मिले, लोटिक दार मिले, डीपी दूसरी लगाओ, लगावे को डीपी भी दूसरी लगा, अब कितने घंटे लाइट मिल, दो घंटा ना घंटों ने काटे हर दान काटे। अच्छा हाँ सही नहीं मिले। व्यवस्थाओं पर कहीं किसी से शिकायत वगैरह नहीं करी आपने? नहीं हमको बोला तो वो कहेगा हम तुम्हारे डीपी दूसरी लगा देंगे, दूसरी लगा 10 साल हो गया, कहता 20 साल हो गया डीपी लगावे ही को नहीं, और लाइट मिले ही को नहीं, बोले अबार सालों आप लाइट नहीं लावे कुआ पे लाइट। जनप्रतिनिधि से आपने बात नहीं रखी? बोला कोई नहीं सुनते अपने, किसान एक ही को नहीं के किसान एक वही को नहीं, कारण की थारा साल दिन मारा कुछ निष्पक्ष तौर पर किसान अपनी बात रख रहे हैं। भाजपा कांग्रेस जो सत्ता पक्ष की बात करते हैं वो आज यहाँ नहीं हुई, इस चौपाल पर बात हुई, सिर्फ किसानों की बात हुई, कोई चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो हमको किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो किसान के साथ खड़ा होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। यहाँ के किसान नेतावली के किसान ये बता रहे हैं, और लोगों से चर्चा करेंगे। अभी आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को कहीं ना कहीं किसानों पे ध्यान देना चाहिए, है ना, किसानों को, किसान और जवान सिर्फ वोट लेने के लिए और भाषण देने के लिए याद आते हैं, है ना, जय जवान और जय किसान, है ना, और किसान के बच्चे भूखमरी से मर रहे हैं, उनको कपड़े नहीं मिल रहे हैं, है ना, एक साइकिल नहीं मिलती है किसान के बच्चे को, है ना, और समय पर उसके स्कूल की फीस जमा नहीं करवा पाता है, वो नहीं दिखता है ना, सिर्फ किसानों के नाम पर वोट लेना, किसानों को बांटना और किसानों की बात नहीं करना, और किसानों को गुमराह करके यहाँ ही गांव में ही रखना है। एक सरकारें दावे कर रही है बड़े बड़े, चाहे वो विपक्ष हो पक्ष हो, इस बार सत्ता में आने के लिए या हर बार सत्ता में आने के लिए अपने बड़े बड़े दावे होते हैं, इस बार किसके दावे किसानों को पसंद आ रहे हैं? देखो कमलनाथ जी की सरकार बनी, 15 महीने सरकार चली, 3 महीने आचार संहिता हम चले गए, 12 महीने सरकार चली, 12 महीनों में कमलनाथ जी ने जो घोषणा करी थी, किसानों का 1,00,000 तक का कर्जा माफ़ हुआ है, मुआवजा भी मिला है, कुछ लोग रह गए थे एक एक किस्त उनके खाते में भी डाल दी गई थी, 3 किस्तें अभी तक नहीं आई, फिर सरकार गिर गई। उसके बाद में कमलनाथ जी ने गौशाला की घोषणा करी थी, गौशाला का भी निर्माण हो चुका है। उसके बाद में सरकार बनते ही उस वो फंडी चला गया और गौशाला जहाँ की जहाँ रह गई। तो कमलनाथ जी पर कहीं ना कहीं भरोसा है किसानों को और हम सबको कि वो अगर आएंगे तो उनके वादे पर खड़े उतरेंगे। इस बार बदलाव देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बदलाव की स्थिति। क्षेत्र मल्लारगढ़ की बात करें, हाँ? यहाँ क्या स्थिति है? देखो अब यहाँ तो स्थिति क्या बनती है, क्योंकि 2 भाजपा कांग्रेस के हैं और दोनों भाजपा कांग्रेस से बागी उम्मीदवार भी उतरे हैं मैदान, दो हाँ एक एक दोनों के उतर गए हैं, तो यहाँ क्या है कि वो त्रिकोणीय संगम हो गया, तो उसमें क्या होता है अब आगे देखेंगे। अच्छा आप क्या कहेंगे? वो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार कोई सी भी हो पर ये कर्मचारी के आगे हार गई है सरकार। कर्मचारी कोई भी हो बल्कि वो सरकार आए ये आए उनको जो भी चाहिए पहले उनकी फीस चाहिए तो ही काम होता है। भ्रष्टाचार देख रहे हैं बिल्कुल सर। कर्मचारी आगे कोई सी भी सरकार वो मतलब हारी हुई है यूँ समझ लो आप।
अभी भी चले जाओ आप लाइट के। तो अब क्या लगता है कि ये जो भ्रष्टाचार कौन सी सरकार में खत्म होगा या कम होगा, संभावना किस सरकार में देख रहे हैं? तो अपील कर रहे हैं सरकारों से कि इस भ्रष्टाचार पे मतलब बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसा सिस्टम या कानून लगाए ताकि उनका सीधा काम होए। ठीक है, अंकुश लगने की संभावना कौन सी सरकार में देख रहे हैं, भाजपा कांग्रेस सरकार? ये ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो अभी हम अपील करेंगे, वो इस पर क्या सुनवाई होती है हमारी, मतलब इसलिए बोल रहे हैं। और इसके लिए जो अभी भी प्रत्याशी है, जैसे बीजेपी से हो कांग्रेस से हो, ये जैसे प्रचार के लिए गांव में जा रहे हैं, इनको एक ध्यान देना चाहिए कि ये थोड़े से बिजली बोर्ड पे भी जाके ध्यान दे दे। अच्छा, ताकि उनको थोड़ी सी लाइट मिल जाए। हैं थोड़ा बड़ी थोड़ा। बात है कि किसान जो अब अपनी फसल उगाता है खेतों में, मोटर चलाकर वाटर पंप चलाकर खेतों की फसल को तैयार करता है, और जब उसको बिजली नहीं मिलती है तो रात रात भर उल्लू की तरह जागते हुए किसान अपनी फसल को कहीं ना कहीं उगाता है और आगे बढ़ाता है, उसको फसल निकालता है। लेकिन स्थिति आप यहाँ देख सकते हैं, कहीं किसानों ने ये बात, ये मुद्दा उठाया कि भैया बिजली नहीं मिल रही है, प्रॉपर बिजली नहीं मिल रही है, कहीं डिप्पी की व्यवस्था नहीं है, कहीं कट कट कर लाइट आती है, तमाम तरह की बातें इन्होंने कई कयास लगाए कि इस बार जो है बदलाव की बयार भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, तमाम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। बाबू जी आप क्या कहेंगे? अपने तो मेन समस्या बिजली और पानी की है, एक तो पानी है तो बिजली नहीं है, ना बिजली आया तो पानी टूट जाएगा, फिर उस बिजली में क्या करें? अभी कहिए सभी भाजपा सरकार ने, शिवराज जी मंदसौर आए थे, कहा कि वो माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट तो वहाँ वहाँ का सब पियर ये लादे नहीं प्यारो, मानो घुसवा भी नहीं दे सही आदमी ने। वो जो सिंचाई योजना आ रही है आपकी, वो आ रही है, आ जाएगा हम खुश हो जाएंगे, अभी तो दुखी है। स्वीकृति तो हो गई ना? स्वीकृति हो गई, पर सर्वकृति तो सरकार ठेर से देते आ रही है। अब जो हो जाए, अब क्या लग रहा है? जैसे काम अच्छा किया बीजेपी ने, विकास भी अच्छा किया, जो देवता नहीं कर सकते वो इस पार्टी ने किया है, जैसे RCC वगैरह। मेन समस्या भी बिजली की, मतलब अभी तक भविष्य में कोई सरकार ने काम नहीं करी, वो काम इस सरकार ने करके दिखाया। अब ये तो अपने अपने मानसिकता है, पार्टी कोई भी आओ, गांव को विकास चाहिए और बिजली अच्छी मिले तो फिर हम कमा खा लेंगे। बिजली की बड़ी समस्या है, एक बीमा वगैरह ये भी कहते हैं आते नहीं है। अच्छा, हाँ ये सब पहले से ही, और क्या, सिर्फ बड़े मंच से बड़े दावे। न सही बात कहे तो हमारे वहाँ को आनंद देते, उनके प्यारों रहते वही। तो इस बार क्या लग रहा है, सरकार किसकी बन रही है? सरकार तो बीजेपी बनेगी, इधर क्षेत्र में देवड़ा साहब आएगा। अच्छा, कांग्रेस के दो कैंडिडेट एक तरह से बागी हैं, बागी देवड़ा साहब आएगा। आप क्या कहेंगे? देवड़ा जी कह रहे हैं, देखिए दादा ने बोला है जो लाइट की समस्या है, एक फिटर है उस पर छोटी लाइन है, तो उसमें सही है कि लाइट की समस्या है कहीं कहीं, पर वो हमने बात भी करी है तो उसके लिए भी स्थानीय जनप्रतिनिधि, हाँ मैं पूर्व में सरपंच रहा हूँ, तो उसमें क्या हम बात भी करिए। आप भाजपा से कांग्रेस से? भैया इतने बड़े दावे यहाँ पर हैं कि लाइट नहीं मिल रही है, ऐसा कोई मुद्दा आपने उठाया, आपके जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं उन तक पहुँचाया, तो फिर ये समस्या का समाधान सुधार हुआ है? कल एक ऐसे हिसाब से बात हुई, कल हमारी मंदसौर बात फोन लगाया उन्होंने, तो उन्होंने सुधार करवाया, लोध तिसाई जो फिटा रही दादागंज कुएं की तरफ, उनमें थोड़ी छोटी लाइन है, तार खराब हो रहे थे, सुधार हुआ है, धीरे धीरे हो जाएगा। और क्या अभी सभी से मोटर एक साथ चलती है, थोड़ा लोड है पर शिफ्टिंग का कई कोई कल चल रहा है, काम हो जाएगा। और किसानों के लिए जो सरकार ने किया है वो अभूतपूर्व है, जो कोई सरकार नहीं कर पाती है, ये वो सब जानकारी में सबके है। लेकिन ये यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, लाइट नहीं मिल रही है, डिप्पी नहीं लग रही है, ये समस्याएं तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी देखना चाहिए। एक और खाद की समस्या आ रही है, खाद के लिए सोसाइटी वालों ने बोल दिया था अग्रिम उठाव करने के लिए, तो इन किसानों ने अग्रिम उठाव किसने किया, किसी ने किया, किसी वो रह गए, मेरे खुद के कम है खाद, तो गाड़ी आ रही है अभी, रेक लगने वाली है, तो वो भी समस्या खत्म हो जाएगी। लाइन में लगने के बाद नहीं, लाइन नहीं है, रेक लगने वाली है खाद। कल भी खबरें ऐसी थी कि लाइन लग रही है लंबी, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, ऐसा तो खाद नहीं मिल पा रहा है, दो चार कट्टे देते लाइन से मिल रहे खाद, क्या ऐसे वो पैदावार निकल पाएगी फसलों की? अब माँ तो देखो जन्म से ऐसा आदत पड़ी, जो मलिदा तो फूक देता नहीं, इनका कहना है कि खेती करते हैं ये, खाद मिलता है इनको फूंक देते हैं, खाद तो डाल देते खेत में डाल। अभी लाइन लग रही है, मिल ही नहीं रहा है। सरकार ने बोला, सोसाइटी वालों ने चिल्ला चिल्ला के बोला बहुत दिन से कि अग्रिम उठाव कर लीजिए, आप हमको समस्या जो भी है कितना खाद चाहिएगा हम उठा लेंगे, पर किसानों ने कहीं कहीं उनकी भी है लापरवाही, तो किसानों ने खाद नहीं उठाया, खाद उठा लेते तो ये RO दे देते हैं, वापस मंगा लेते, पर अग्रिम उठाव के कारण ये हुआ है, हमने खुद ने उठा लिया खाद, तो हमारी कोई समस्या नहीं है। बाकी समस्या है किसानों की खाद की, तो रेक लगने वाली खाद आने वाला है, और
माइक्रो किसानों को पहले लाइन में लगना है, फिर खाद आएगा। भैया अब ऐसे तो हम स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कोई चर्चा किसान अपने हमारी चुनावी चौपाल में नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आम लोग आम किसानों से हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जब यहाँ सवाल स्थानीय उठा तो ये मौजूद थे, इनसे भी हमने चर्चा की इस बार, क्योंकि माहौल ऐसा क्यों है, ऐसे मुद्दे क्यों उठ रहे हैं, स्थानीय से भी चर्चा करेंगे। क्या माहौल है बाबू जी, क्या माहौल है? माहौल तो देखो भाजपा को लग रही है, अच्छा पक्को लग रही हो, पक्का पक्का घर गए यहाँ किसन गुंता में लाइट बिजली ये लाइट बिजली है तो है समस्या तो कहीं किसान के कभी कहीं खत्म ही नहीं जी। जो वो किसान खेती करवा मंडे वहाँ थी वो वावे तो हर साल के ये सही तरह हो यार पोर ही तरह हो किसान तो इतने करे कभी एक मुद्दा पर नहीं रही। किसानों के जायज मुद्दे ही है ये तो, मांगे जो है जायज है, नहीं जो भी मुद्दा जो नेताजी कोई से चाहे भाजपा कांग्रेस या कोई भी नेताजी मंच से बड़े दावे करते हैं कि भैया किसानों के लिए हम समृद्धि करेंगे, विकास करेंगे, ये करेंगे, क्या लगता है? लगे तो यो देखिए कर्मचारी पर ध्यान नहीं दे रहा, खास तो कर्मचारी बिगाड़ रहे हैं, जो भी है जो भी, भले कहीं जाओ आप कोर्ट में जाओ तो ही, कहीं जाओ तो ही, आप क्या जटे जाओ आप बिजली बोर्ड में चल जाओ तो कर्मचारी पटाटवान तैयार को नहीं, ये सब कर्मचारी है और तो कई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कहीं भी बात पर, बोले आप वहाँ चल जाओ तो अभी डीपी लेवा जाओ तो पर हाथ का 8 बजे दें 3000 रुपया ले के 5000 रुपया ले न भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार के भले कर्मचारी है जो भी है जो खाद वाद की क्या स्थिति खाद तो अबार तो है दिल्लत यूरिया की सोसाइटियों में है भ्रष्टाचार सोसाइटी हम कौन अच्छा कहीं को नहीं यहाँ जो आवे जो खाजन के खाता है वहाँ ने भरपूर खाद दे तो मतलब लापरवाही कहाँ सरकार की देख रहे हैं खाद नहीं मिल रहा है किसानों का बार खाद कम आई जो अगर जरूरत के टाइम पे खाद नहीं मिलेगा तो क्या फसल पैदावार अच्छी निकलेगी नुकसान है पैदावार तो पता नुकसान है। इस बार क्या माहौल है, लोगों ने ये भी बताया कि इस बार बदलाव हो सकता है, सरकार की नाकामी जो कर्मचारी होते हैं अधिकारी होते हैं उन पे अंकुश नहीं लग पाता है तो ये भ्रष्टाचार को परवान चढ़ता देख रहे हैं। कई तरह की हमने चर्चा की ग्राउंड जीरो पर गांव नेतावली में विधानसभा क्षेत्र मल्लारगढ़ में क्या कुछ माहौल है, तमाम चर्चा हमने की। आप देख रहे हैं बेबाक हिंदुस्तान।